अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं होशांग गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। अशोक साहब, थोड़े दिनों के लिए मेरे प्रेमी, बाद में पति, और आज कुछ भी नहीं। लाख रुपया देकर 100 लेकर जा रहा है। डैडी, इससे पूछिए, जब भगवान अक्कल बांध रहा था तब ये कहाँ बैठा था? दोस्तों, साउथ की कई एक्ट्रेसेस बॉलीवुड में आई और यहाँ की टॉप की हीरोइंस बन गई, जैसे वैजंती माला, बी सरोजा देवी, रेखा, हेमा मालिनी, जयाप्रदा और श्रीदेवी, और उनमें से एक थी लक्ष्मी। लक्ष्मी जी की पहली हिंदी फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई और लोग उन्हें उसी फिल्म के नाम से बुलाने लगे, यानी जूली। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं साउथ की मशहूर एक्ट्रेस लक्ष्मी की। ये प्यार वो नहीं है जो औरत मत से करती है। आपस में हम दोस्त हो सकते हैं रिचर्ड, अच्छे दोस्त हो सकते हैं, इससे ज्यादा मुझसे कुछ न मांगो। लेकिन कर भी क्या सकती थी, वो मुझे बहाने से घर ले गया और जबरदस्ती करने की कोशिश की, मगर मेरे इनकार करने पर रुक गया। 13 दिसंबर 1952 में लक्ष्मी जी पैदा हुई चेन्नई में एक तमिल ब्राह्मण फैमिली में। उनके पिता का नाम था वाई वी राव और वो साउथ के मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और थिएटर एक्टर थे। उनकी माँ का नाम था कुमारी रुक्मणी और वो भी साउथ की बहुत मशहूर एक्ट्रेस थी। और लक्ष्मी जी का पूरा और असली नाम है यारा गुड़ीपड़ी वेंकटा महालक्ष्मी। लक्ष्मी जी का बचपन चेन्नई में गुजरा और उन्होंने अपनी एडुकेशन भी चेन्नई से की। उनके ग्रैंडफादर चाहते थे कि वो एक लॉयर बने, लेकिन क्योंकि उनके माँ बाप दोनों एक्टर्स थे और फिल्म लाइन से जुड़े हुए थे, इसलिए लक्ष्मी जी का रुझान फिल्मों की तरफ हुआ। लक्ष्मी जी की पहली फिल्म थी एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट, उस फिल्म का नाम था सिरवली, जो आई थी 1961 में। उसके बाद उनकी एक तमिल फिल्म भी आई और उस फिल्म का नाम था जीवनामसम, जो आई थी 1968 में, और उस वक्त लक्ष्मी जी सिर्फ 16 साल की थी। इस फिल्म के बाद उन्होंने एक कनाडा फिल्म में भी काम किया, लेकिन असली शोहरत लक्ष्मी जी को मिली एक मलयालम फिल्म से, जो आई थी 1974 में, और उस फिल्म का नाम था चत्तकरी। वो फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई और लक्ष्मी जी को केरला स्टेट की तरफ से बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला। चाची, इंटरमेंट ये नहीं, चाची नेल्ला मन माय डार्लिंग चाची, प्लीज प्लीज चाची। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसी फिल्म के हिंदी रीमेक से लक्ष्मी जी ने बॉलीवुड में अपना कदम रखा। फिल्म का नाम था जूली, जो आई थी 1975 में, और लक्ष्मी जी के ऑपोजिट थे विक्रम। तुम फिर आओगे ना? आऊंगा, लेकिन शायद उस वक्त तक तुम कोई दूसरा बॉयफ्रेंड लोगे। नो शशि, नो शशि, मैंने जिसे ढूंढना था जूली सुपर डुपर हिट हो गई और इस फिल्म का म्यूजिक भी सुपर डुपर हिट था। दोस्तों, जूली के बाद लक्ष्मी जी ने कुछ और हिंदी फिल्में साइन कर ली, जैसे आंगन की कली, जीवन मुक्त और चरणदास। मेरे और अशोक के प्यार के सपने बहुत लंबे नहीं थे। अचानक एक दिन मेरे मामा ने रुपए के लालच में आकर मेरी शादी कहीं और तय कर। हिंदी फिल्मों के साथ साथ लक्ष्मी जी ने साउथ की फिल्मों में भी काम करना जारी रखा। उन्होंने साउथ की सब भाषाओं की फिल्मों में काम किया और कई अवार्ड्स भी जीते। लक्ष्मी जी एक लौती एक्ट्रेस हैं
जिन्होंने साउथ की हर भाषाओं की फिल्मों में फिल्म फेयर अवार्ड साउथ के जीते, और हम आपको बता दें उन्हें एक नेशनल अवार्ड भी मिला। लक्ष्मी जी ने साउथ के सब बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, लेकिन ज्यादातर फिल्में की उन्होंने अनंत नाग के साथ। लक्ष्मी जी ने अपने करियर में तकरीबन 400 फिल्मों में काम किया, और जब उनकी उम्र बढ़ने लगी तो उन्होंने कैरेक्टर रोल्स करने शुरू कर दिए, साउथ में भी और हिंदी फिल्म्स में भी। बहुत ऊंची फेंक रहा है छोकरे, क्या कहा तूने? अगर मैंने एक भी पत्थर फेंका तो मेरे बेटों के धड़ पर सिर नहीं होगा क्या? ऐसा है तो पत्थर नहीं हार फेंकूंगी तेरे भाई के गले में। जानते हो तेरा भाई तेरे बाप के मुंह पर थूक कर घर बार छोड़कर क्यों निकला है? मेरी नवासी से शादी करने के लिए। लक्ष्मी जी बहुत वर्सेटाइल हैं, फिल्मों के साथ साथ उन्होंने साउथ के टेलीविजन सीरियल्स भी किए और कई साउथ के रियलिटी शोज जज भी किए। लक्ष्मी जी ने 3 शादियां की, उनकी पहली शादी हुई 1969 में और उनके हस्बैंड का नाम था भास्करन और वो एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करते थे। उनकी एक बेटी है और उसका नाम है ऐश्वर्या भास्करन और वो भी साउथ की बहुत मशहूर एक्ट्रेस हैं। लेकिन अफसोस 1974 में लक्ष्मी जी और भास्करन का डिवोर्स हो गया। लक्ष्मी जी ने दूसरी शादी की 1975 में और उनके हस्बैंड का नाम था मोहन शर्मा और वो उनके को-स्टार थे फिल्म चतकड़ी में। लेकिन अफसोस 1980 में उनकी ये शादी भी टूट गई और उनका डिवोर्स हो गया। 1987 में लक्ष्मी जी ने तीसरी शादी की और उनके हस्बैंड का नाम है शिवचंद्रन और वो साउथ के मशहूर एक्टर और डायरेक्टर हैं। और 2000 में उन्होंने एक बेटी को अडॉप्ट किया और बेटी का नाम है संयुक्ता। लक्ष्मी जी एक बहुत स्ट्रांग लेडी हैं, वो कहती हैं कि औरतों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उन्हें अपनी आवाज अत्याचार के खिलाफ उठानी चाहिए और अपनी डिजायर्स को फुलफिल करना चाहिए, और कहती हैं इन अ वर्ल्ड दैट वांट्स विमेन टू विस्पर आई चूज टू येल। हैट्स ऑफ लक्ष्मी जी। तो दोस्तों ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब।